डिस्काउंट आने से पहले मार्केट होल्ड करने लगेगा, रुकने लगेगा। कभी भी मार्केट ऐसे डायरेक्ट जाके नहीं तोड़ेगा, बहुत कम चांसेस होता है कि मार्केट ऐसे ब्रेकआउट हो। फिर उसी रेसिस्टेंस के पास आने के डायरेक्ट आ रहा है, दूर रहिए, डायरेक्ट ब्रेकआउट जल्दी नहीं आता, बहुत 5-10-15% ही होता है कि डायरेक्ट ब्रेकआउट आएगा। अगर आ भी गया ना तो वो थोड़ा ऊपर जाके कभी भी रिवर्स हो जाएगा, फंस जाएंगे। आपका ब्रेकआउट तब आएगा जब मार्केट अपसाइड जाके वो रेंज क्रिएट करने लगेगा, ट्रेंड लाइन के पास होल्ड करने लगेगा। जब यहाँ पे रुकेगा, होल्ड करेगा, तो समझिए कि ब्रेकआउट आने वाला है। ये ब्रेकआउट से पहले का फाइटिंग हो रहा है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, ये आपको कंफर्म कर रहा है कि अब यहाँ पे रैली आएगा। अब बायर्स यहाँ पे एक्टिव है, तभी ना सेलर्स के घर के पास जाके फाइटिंग हो रहा है, ट्रेड लाइन के पास फाइटिंग हो रहा है, ट्रेड लाइन अब टूटने वाला है। फाइटिंग जब तक हो रहा है हम लोग दूर रहेंगे, लेकिन जब फाइटिंग खत्म हो जाएगा बायर्स और सेलर्स के बीच में, जब वो उस रेंज के बाहर निकलेगा, तब अपना एंट्री कन्फर्म होगा। जैसे देखिए इस रेंज के बाहर निकला, क्या क्या मार्केट भागना स्टार्ट किया, समझ में आ रहा है? तो ब्रेकआउट देखिए, अगर आना होता तो यहाँ रेंज क्रिएट किया, नहीं किया ना गिर गया, रेंज क्रिएट करते हैं यहाँ भी, नहीं किया ना गिर गया। अब यहाँ पे किया, देखिए यहाँ पे तोड़ दिया, अब क्लियर हुआ।